स्लम मनी शहर की पौष कृष्णा कॉलोनी जानीपुरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। मिलेनियम सिटी कहे जाने वाला साइबर सिटी गुरुग्राम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जी हां, यहां की पौष कॉलोनियों के निवासी भी पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल लोगों का आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों ने उनकी पौष कॉलोनी को स्लम बना दिया है, जिसके कारण वो करोड़ों रुपए का मकान खरीदने के बाद भी स्लम जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि दर्द बयां कर रहे लोग कहीं और के रहने वाले नहीं बल्कि गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी के निवासी हैं। हालांकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण लोग अब यहां से पलायन करने को विवश हो चुके हैं, क्योंकि यहां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर पीने के लिए सीवर का पानी सप्लाई होता है। इतना ही नहीं, गंदगी और बिजली की लटकी हुई तारों की वजह से लोग परेशान हैं। जरा सुनिए लोगों का इस पर क्या कहना है। जैसे इलेक्शन चालू होंगे सबको वोट चाहिए, लेकिन काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। इतना गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल नाली की तरह। दो व्यक्ति यहाँ के जाके, दोनों कोने वाले जाके यहाँ से जा चुके हैं। इनको अब मतलब इन्होंने यहाँ से, इसीलिए इनका रीजन भी यही था, कह के गए कि अब ये अब रहने लायक कॉलोनी नहीं रही है। इवन इतनी परेशानी है, हमारा एक पड़ोसी है ये ना बगल वाले, वो सिर्फ पानी की वजह से अपना घर छोड़ के ना किराए पे कहीं बैठने चले गए। इतनी परेशानी होती है कि पानी की, सीवर की, सब चीज की, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी दिक्कत ना हो, सड़क की, कोई भी सफाई की। कूड़े वाले हैं, वो दो दिन आते दो दिन नहीं आते, उनकी मर्जी, आए आए ना आए ना आए। और मेरा तो पूरा परिवार बीमार हो गया इस गंदे पानी की वजह से, और पूरे घर में ही स्मेल है। कि वह एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों को इस बाबत ज्ञापन सौंपेंगे और फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वे सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लोगों की माने तो जब अधिकारियों को शिकायत की जाती है तो वो अपनी बड़ी गाड़ियों में खाना पूर्ति करने आते हैं और समाधान का आश्वासन देकर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि पीने के पानी के कारण हर घर में बीमारी फैल रही है और बदबू के कारण घर में बैठा तक नहीं जाता। फिलहाल लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करें। अपने ज्ञापन के माध्यम से वो न केवल समस्या से अवगत करा रहे हैं बल्कि उसमें इन समस्याओं के समाधान के लिए भी सुझाव दे रहे हैं। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।